Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. और आपको पता चल ही चुका होगा कि आज है मेरा बर्थडे. So today is my birthday और आज मैं पूरे 28 साल की कंप्लीट हो चुकी हूँ. आई एम जम्पिंग इन टू 29. ओके थैंक्स. वो ही मेरे को बर्थडे विश कर रही है. सो आई एम सो हैप्पी. मैं बर्थडे में हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ. इस बार भी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हूँ. पर यस, बर्थडे है, स्पेशल डे है, मेरा डे है, तो बनता है इतना खुश होना. तो सो आज हो चुके हैं हम 28 साल के. इसी खुशी के उपलक्ष्य में हम कुछ भी नहीं करेंगे, कंट्रोल हम बस हलवा पूरी खाएंगे और पार्टी करेंगे और सो जाएंगे. और ये होने वाला है मेरा बर्थडे व्लॉग. सो एंड तक बने रहना, देखते हैं आज क्या क्या होता है. हम लोग पार्टी करते हैं, क्या करते हैं. अभी तक कुछ प्लान नहीं है एज सच, देयर इज़ नो प्लान. सारे फ्रेंड्स बिजी हैं, सब इधर उधर हैं. बट लेट्स सी रात तक क्या क्या प्लान होता है, क्या क्या करते हैं हम. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10. मैंने उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा मारा. जी हाँ, बर्थडे गर्ल ने झाड़ू पोछा मारा सुबह उठ के. गजब बेइज्जती है. उसके बाद मैं नहा के अभी मैंने जस्ट पूजा. सुबह के 10 बजे अभी. और किचन में मेरा भाई बना रहा है पकौड़ियाँ मेरे लिए. चलिए देखते हैं. ये है मेरा भाई. हेलो. और ये बना रहा है पकौड़ी. जलेबी. हेलो. जलेबी. जलेबी नहीं है, पकौड़ी है. जलेबी है, सीधी जलेबी. सीधी जलेबी. मजाक कर. तो गाइस, मेरा भाई बना रहा है पकौड़ी. मम्मी भी बना रही थी, मम्मी भी थोड़ा बाहर गई है. और ये बहुत अच्छा वाला है. शाबाश, बनाओ दीदी के लिए. हेलो. दीदी पार्टी देगी फिर शाम को. पार्टी देगी. हाँ, पार्टी देगी. इसलिए अच्छा अच्छा खाना खिला मेरे को. और मेरी बहन ने चूहों की टोली बुला रखी है. तो बैंड बाजा लेके जो भी आ रहा है वो बैंड बाजा लेके जरूर आए. त्रिपुड़ी, ड्रम, ढोल और जुनजुना भी लेके आए. और हम रात को नाचना गाना करेंगे. कुछ कमी नहीं होनी चाहिए. हाँ. हमारी तरफ से भी नहीं होगी कमी और आपकी तरफ से भी नहीं होनी. क्या गिफ्ट दे रहा तू मुझे? मैं गिफ्ट में आपको बहुत सारी दुआएं दूंगा. So guys, आज है 22nd of September. मेरी बहन भी आने वाली है, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएगी. फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आएगी. फिर हम लोग पता नहीं क्या करेंगे, पर जो भी करेंगे आपको बताते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. मम्मी भी आ गई है किचन में. मम्मी बना रही है बाकी की पकौड़ी. हेलो मम्मी. हेलो. हाय गाइस. हेलो दादी. कंच मैं. तो यहाँ बन रही है हमारी चाय, यहाँ बन रही है हमारी पकौड़ी. आ जाओ पकौड़ी. मेरे बर्थडे पार्टी में पकौड़ी खाओ आज. गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, एक कप चाय और ये पकौड़ियाँ. आज है चीट डे, बर्थडे है तो अच्छे से चीट डे करेंगे. और ये मेरा भाई अपना व्लॉग देख रहा है. इसका भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगी. इसको भी सब्सक्राइब कर देना. इसकी शक्ल देखो जरा, कैसी शक्ल बना. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ये काहे के लिए? कल इसने वो बनाया था, पौधे लगाए थे. और अब हम यहां से खेत से भरेंगे मिट्टी. इतनी सही हो रही है ना पकौड़ी, बहुत अच्छी टेस्टी बनाई. गुड जॉब, मेरा भाई सक्सेसफुल हो गया पकौड़ी बनाने में. ना को सिंगाना आए हूँ. तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं. यस, और अभी मैं अपनी बहन का वेट कर रही हूँ एक्चुअली. बट इन द मीनवाइल मैंने कुछ पुराने कपड़े रखे थे अपने एनजीओ में देने के लिए, जो कि आई डोंट यूज़ दैम एनी मोर. सो मैंने छांट के तो रखे थे, पर एक बार मैं फिर भी छांट लेती हूँ. आई एम प्लानिंग टू गिव अवे दोज ओल्ड क्लोथ्स टू एन एनजीओ प्लस सम कैश ऑल्सो. लेट्स सी हाउ इट गोज. मैं एक्चुअली उन लोगों को कॉल कर रही थी पर वो लोग फ़ोन उठा नहीं रहे अभी. तो जैसे वहाँ से कन्फर्मेशन आएगा कि दे आर ओपन, सो देन आई विल गो एंड डोनेट सम ऑफ द क्लोथ्स. चलो छांटते हैं कपड़े. वैसे मैंने अपने इसमें ड्रॉअर में रखे तो थे ये सारे कपड़े, मैंने दान देने के लिए रखे थे क्योंकि मेरे पास बहुत पुराने कपड़े हो चुके थे. एंड मेरे पास इतने पुराने पुराने कपड़े कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ. सो आई एम समवन जो एक कपड़ा बहुत सालों तक चलाती है, बहुत सालों तक चलाती है लिटरली. सो इसीलिए ये सारे पुराने ही कपड़े हैं. इस बार मैंने अपना दिल पक्का करके मैंने कहा चलो दे ही देते हैं. तो इसमें भी बहुत सारे कुछ गर्म कपड़े हैं, कुछ ठंडे कपड़े हैं. तो इनमें से मैं फिर से छांटूंगी इन कपड़ों को.
आज है मेरा जन्मदिन और मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। मेरी दोस्त भी आई है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई है, मतलब मेरी बहन भी आई है। ये है अश्वेता, ये 2 घंटे पहले आ चुकी थी, मैडम ने बाल बाल धोए हैं। ये शुभांगिनी भीगती भागती आई है अभी। थैंक यू सो मच गाइज, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। सो गाइज, बज रहे हैं दिन के 2 और मैंने बनाया है आज छोले। मेरा छोले खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने बनाए हैं छोले। यहाँ पे काट दिए मैंने सैलेड, प्याज काटा है और खीरा काटा है। यहाँ पर सब मेरे शाम का बर्थडे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे अभी हम छोटा सा एक जो शुभांगी केक लेके आई है, हम वाला केक काट रहे हैं अभी यहाँ पे। सो अभी बोलकर भेजती हूँ दिन के टाइम, मतलब कि जो फर्स्ट केक है, फर्स्ट केक काट रही हूँ मैं अपने यहाँ पे। अभी हमने थोड़ा सा डेकोरेशन किया है मेरे कमरे के अंदर और अब हम काटेंगे केक। थैंक यू। क्या ठीक से पोज बात गाइस, पहला केक हमने काट दिया है और अब हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, लंच करने के बाद हम लोग निकल के एनजीओ की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था मुझे कपड़े डोनेट करने थे। तो ये है वो एनजीओ जिसका नाम है गूंज ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग पुराने यूज्ड कपड़े, बर्तन वर्तन सब कुछ लेते हैं। ये जाता है गरीब लोगों के लिए और आपदा वाले जो भी एरियाज होते हैं वहाँ के लिए जाता है। मैंने थोड़ा सा डोनेशन भी किया है इसके साथ साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा। हर फ्राइडे कीर्तन होता है तो यहाँ पे मम्मी ने कहा था प्रसाद चढ़ा देना, तो मैं हम लोग जैसे कि आपने देखा था अभी कि हम लोग पहले एक एनजीओ में गए थे, उसके बाद हम मंदिर गए थे, उसके बाद हम कहीं और गए थे, तो इसलिए हम लोगों को बहुत टाइम लगे। अंधेरा हो चुका है और हमें निकलना है पार्टी के लिए। यस, वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी, हम लोग जा रहे हैं। सो मेरे भैया भाभी और मेरी फ्रेंड आ रही है वहाँ से, यहाँ से मैं, मेरे भाई और श्वेता जाएगी। तो बस मिलते हैं आपसे। अभी मुझे फटाफट होना है रेडी, ठीक है। अभी मैंने एथनिक से पहना है, अब मैं मस्त सी ड्रेस पहनूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग देखिए, आप देख सकते हो कितना सज भज के ये पीछे मेरी बहन बैठी है। मैं तेरा हाय बोलो। तो ये है मेरा भाई और हम लोग जा रहे हैं अब पार्टी करने के लिए फाइनली। मेरा बहुत दिनों से मन होता क्लब जाने का और आज से बढ़िया दिन और कौन सा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग वहाँ पे खूब सारा डांस करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे। हमारे भैया भाभी भी आ रहे हैं, भैया भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे बर्थडे पे, तो यस दैट इज ऑल्सो स्पेशल। और मौसम बहुत देहरादून का बहुत प्यारा, अच्छा भी क्या है, मतलब बारिश ने तो अजीब ही हद मचा रही है। आधे इलाके में हो रही है, आधे में नहीं हो रही है, कभी बहुत तेज हो रही है, कभी बहुत हल्की हो रही है, पर हम मजा ले रहे हैं मौसम का, हमें क्या। मैं तो अच्छा ही लगता है बारिश वाला मौसम। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे जहाँ पे हमारी बर्थडे पार्टी। देखो सबसे ऊपर है रूमर्स, नया नया कैफे खुला है अभी, चलते हैं ऊपर दिखाते हैं आपको। हाँ भाई, बहुत बहुत स्वागत है देवी और सजनों। सजनों, हाँ मैं नहीं दिख रही, मोहित की पहली पड़ी आपको। व्लॉग बना रहे। देखो जरा, सुंदर सुंदर लड़कियों को सीढ़ियों से चल के जाना पड़ेंगे, लिफ्ट खराब पड़ी है, एंड वी हैव टू गो ऑन फिफ्थ फ्लोर लाइक दिस ओनली। मेरा भाई, और फिफ्थ फ्लोर चढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ तो कोई प्राइवेट ही पार्टी चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग बगल में पिरामिड है क्लब, हम वहाँ चले जाते हैं। हेलो।
बाय।